एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अफशा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अमेज़न से बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ। देर आर सो मेनी थिंग्स। कुछ जो है होम डेकर आइटम की कैटेगरी में आता है, कुछ होम अप्लायंसेस है और कुछ किचन ऑर्गेनाइजर्स है। तो वन बाय वन मैं सारे पैकेट्स आपके साथ ओपन करके शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अमेज़न पे आपको हर चीज़ की ढेरों वैरायटी मिल जाएगी और इनमें से अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसको असेंबल करना है तो वो असेंबल करके भी मैं सेपरेटली अलग से वीडियो में दिखाऊंगी। तो स्टे ट्यून ऑन माई चैनल। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फुल रिव्यू वीडियो भी आने वाला है। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सारे बॉक्सेस को अनबॉक्स करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो जितने सारे पैकेजेस थे ना, मैं इन सब पैकेजेस को मैंने ओपन कर लिया है ताकि मेरा वीडियो में टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो, सिर्फ पैकेजेस को अनबॉक्स। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये मैं काफी ज्यादा देख रही थी इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स में, ये वाला प्रोडक्ट जो कि एक पोर्टेबल ग्राइंडर एक्चुअली आ जाता है। यहाँ पे कॉर्ड लगती है जो कि इसके साथ आई है। इसमें काफी सारी कलर ऑप्शन थी, प्राइस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्वालिटी जो है इसकी अच्छी लग रही है। सो बेसिकली एज अ पॉट आप कहीं भी इसको लेकर जा सकते हैं। इट्स वेरी स्मॉल, मिक्सर ग्राइंडर बड़े होते हैं। सो ये यहाँ से ओपन हो जाता है और इसमें एक छोटा इस तरीके का ग्राइंडर दिया हुआ है। सो बेसिकली ये रिमूवेबल नहीं है, ये ध्यान रखना। एंड जब आप इसको वॉश करोगे, क्योंकि ये अटैच है तो आप इसको सिर्फ गीले कपड़े से पोंछ सकते हो, वॉश नहीं कर सकते बिकॉज ये यहाँ पे अटैच्ड है। ये कुछ इस तरीके से इसमें ब्लेड्स लगे हुए हैं। आपको यहाँ पे इसको इस तरीके से बंद कर देना है एंड देन यहाँ से इसको जब आप इस तरीके से प्रेस करोगे सो आपका जो भी सामान है वो यहाँ पे ग्राइंड हो जाएगा। इफ़ यू आर समवन जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है, लाइक आजकल काफ़ी सारे लोग ट्रैवल करते हैं, खुद का खाना भी पका रहे होते हैं, काफ़ी सारे लोग हॉस्टल में होते हैं और एक हॉस्टल के छोटे से रूम में उनके पास कुकिंग के लिए इतना स्पेस नहीं होता है कि वो यू नो ग्राइंड कर सके। जैसे कि इसमें वेट ग्राइंडिंग तो आई डोंट थिंक सो हो सकेगी क्योंकि इसको फिर क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ड्राई ग्राइंडिंग के लिए ये सही हो सकता है। सो आई एम गोना यूज इट एंड टेल गोना गिव यू माई कंप्लीट रिव्यू कि एक्चुअली में ये कैसे परफॉर्म करता है। बट फिलहाल के लिए तो ये सही लग रहा है मुझे, हाँ सही प्रोडक्ट है। एंड इट्स वेरी कॉम्पैक्ट, छोटा सा कुछ सामान ग्राइंड करना हो आपको तो हॉस्टल वगैरह के लिए पोर्टेबल है, काफी सही रहेगा। नेक्स्ट थिंग आई ऑर्डर इज दिस क्यूट कप एंड सॉसर। मुझे काफी टाइम से ये चाहिए था। इसमें काफी सारे कलर ऑप्शन थे अवेलेबल, बट मैंने जो है इसमें पिंक कलर ऑर्डर किया है। सो बेसिकली दिस इज अ सेट ऑफ कप एंड सॉसर एंड दिस इज एक्चुअली क्यूट, पैक होकर के आया है। ओके, एंड इट्स वेरी डेलिकेट, किसी को सर्विंग करने के लिए बहुत सही रहेगा। बट 4 से 5 बंदे हो गए तो मैं नहीं सर्व कर पाऊंगी बिकॉज इतने कटलरी के फिर लेना पड़ेगा। दिस इज एक्सपेंसिव, 1200 का समथिंग आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द ट्रे, दिस इज सॉसर एक्चुअली जिसमें आप सर्व करोगे। तो दिस इज बेसिकली द ट्रे। क्वालिटी इज सुपर डुपर अमेजिंग, काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसकी यहाँ पे दी है। एंड दिस इज द पर्स। बेसिकली अगर आप ऐसे ही रखोगे तो ये आपको पर्स लगेगा, बट ऑब्वियसली जब आप कॉफी या चाय इसमें दे रहे हो तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। तो काफी अच्छी क्वालिटी है, ये सर्विंग के लिए काफी सही है, बट इसको काफी संभालना पड़ेगा बिकॉज दिस इज फॉर 1200 रुपीज। इसके साथ ना आपको इस तरीके से एक छोटी सी चाय की चम्मच भी मिल जाती है, विच इज एक्चुअली क्यूट। तो आई रियली लाइक द पीस, बट थोड़ा एक्सपेंसिव है, वर्थ करता है बट मिडिल क्लास लोगों के लिए या चलो ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लाइक मेरे बजट में होता तो मैं और 10-12 ये ले लेती बिकॉज आई रियली लाइक दिस। नेक्स्ट थिंग वी हैव दिस चॉपर। तो बेसिकली काफी सारे रील्स में ऐसा दिखाया गया था, दिस इज लाइक दिस एंड यहाँ पे ये आ जाता है। इसके ऊपर से आलू के चिप्स चॉप हो रहे हैं, प्याज चॉप हो रही है, सब कुछ चॉप हो रहा है, इसमें ऐसे दिखाया गया था। तो वी गोना टेस्ट दिस आउट इन आई गोना टेल यू इन अ डिफरेंट शॉट या डिफरेंट इसका वीडियो जैसे भी होता है। अगर थोड़ा सा इसके बारे में बताना होगा तो मैं शॉर्ट में बता दूंगी, नहीं तो फिर फुल लेंथी वीडियो आएगा कि दिस प्रोडक्ट एक्चुअली वर्क्स और नॉट वर्क। यहाँ पे लॉकिंग वाला सिस्टम भी यहाँ पे दे के रखा है, तो अभी तो फिलहाल मुझे ये अच्छा लग रहा है। बिल्ट क्वालिटी और थोड़ी सी बढ़िया हो सकती है बिकॉज प्लास्टिक थोड़ा सा फ्लिमजी है, दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील ओवर हियर। सो दिस इज बेसिकली फॉर दोस्त जो बहुत ज्यादा यू नो मूवी वगैरह देखते हैं। सो बेसिकली ये एक फोन होल्डर है, फोन इसमें जाएगा और फिर इसमें आपको रिफ्लेक्ट होकर दिखेगा। लेट मी जस्ट डू दिस फॉर यू गाइज। सो दिस इज द फोन वी हैव, ऐसे ही ना मैग्निफाई होके कुछ दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है बट आई वुड लाइक अच्छा लग रहा है मुझे तो। तो ये इस तरीके से मूवीज वगैरह अगर आपको देखना हो फोन में, कोई सीरीज देख रहे हो तो आप देख सकते हो। सो
या मुझे उतना मैग्नीफाइंग थिंग्स पसंद नहीं आती, आई डोंट नो, बचपन से नहीं आती है कैमरा. दिस इज जस्ट अ बैकअप, ये मैं हमेशा ही ऑर्डर करती हूँ क्योंकि ये हमेशा ही खराब होते रहता है. दिस इज IPTech का बल्ब कैमरा. इस बार मैंने जो है इसे चिप्स के साथ ऑर्डर किया है. सो चिप्स के साथ ऑर्डर किया. नेक्स्ट थिंग, आई ऑर्डर दिस रैक. तो बेसिकली ये एक रैक मुझे वहां पे दिख रही थी कुछ इस तरीके से, ठीक है. और बेसिकली ये ओवर द फ्रिज के डोर के हैंडल पे ये लग जाती है. आई डोंट नो ये लगेगी कैसे, इसके साथ एडेसिव ग्लू भी दिया हुआ है, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि डायरेक्टली फिक्स होती है इसमें. आप फिर आप बहुत कुछ सामान रख सकते हो किचन का, जैसे कि यहाँ पे आप किचन पेपर्स रख सकते हो, यहाँ पे आप क्लिंग रैप वगैरह रोल कर सकते हो, यहाँ पे काफी सारे सॉस वगैरह आ जाएंगे. ऑनेस्टली उतनी इनबिल्ट क्वालिटी मुझे इसकी अच्छी लग नहीं रही है कि इसमें कांच का सामान वगैरह आप फ्रिज के साइड पे डोर हैंडल पे रखो. बट जो भी होता है इसको मैं अलग से ट्राई करूंगी, टेस्ट करूंगी, एंड देन आई एम गोना टेल यू कि दिस इज एक्चुअली वर्क्स और नॉट. अभी फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उतना वर्क नहीं कर पाएगी. तो ना क्यूट लिटिल थिंग राइट ओवर हियर, ठीक है, दिस इज वेरी क्यूट. ये बेसिकली इसमें आप टूथपिक्स स्टोर कर सकते हो या ईयरबड्स को आप स्टोर कर सकते हो. इट्स रियली क्यूट. अब हम जैसे लोग तो जनरली ऐसे ही ऐसे ही निकाल निकाल के रैपर से यूज करते रहते, बट इफ यू आर रियली फैंसी एंड यू वांट समथिंग रियली क्लीन एंड बेसिक, तो आप किसी भी डब्बे में उनको भर के रख सकते हो. दिस इज रियली यूजफुल बिकॉज यहाँ से आप उनको डिस्पेंस कर सकते हो. चीज काम की है, पैसा है तो सब फिर काम का लगता है, नहीं तो वेस्ट ऑफ मनी लगता है. पाउच राइट ओवर हियर. सो दिस इज बेसिकली आईफोन का कवर फॉर एमान एक्चुअली. ऑल राइट, तो ये कुछ इस तरीके का फोन का कवर आ जाता है. तो दिस इज कवर एंड इसके साथ यहाँ पे जो है ये कार्ड होल्डर है, ठीक है, एंड इसमें कैश कार्ड आप सब भी रख सकते हो. एंड आई एम लाइक इफ यू आर समवन जिसको फोन में अपने कार्ड वगैरह रखना पसंद है तो वो आप इस प्रोडक्ट को ट्राई आउट कर सकते हैं. बट इसमें कैश वगैरह नहीं आएगा. मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें जिप वगैरह का लॉक वगैरह होगा जिसमें शायद मैं थोड़ा सा कैश या एक चाबी या आई कार्ड रख सकती हूँ कुछ. तो बेसिकली मेरा बेटा जो है जब ट्यूशन वगैरह जाता है तो उसको मैं फ़ोन देती हूँ. बहुत छोटा है अभी वो, लेकिन एज अ सिक्योरिटी पर्पज़ ताकि मुझे उसकी ट्रैकिंग रह सके. बट आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं उसके पास कुछ तो 10-20 रुपया चेंज रखूँ, ज़्यादा नहीं, ताकि इन केस अगर उसको कोई भी इमरजेंसी होती है तो ही हैव दैट मनी. एंड एक नोट उसके पास छोटी सी होनी चाहिए. एंड उसके पास उसका एक अगर इनकेस कुछ कहीं वो घूम जाए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाता है वो स्टिल, तो उसके जो है कार्ड पे नाम एड्रेस वगैरह मेंशन हो, तो उसके लिए मैंने ये लिया था. बट आई एम नॉट श्योर कि यूजफुल है या नहीं बिकॉज इसमें सिर्फ कार्ड आएगा. सो इफ़ यू आर समवन जो सिर्फ मोबाइल लेकर घूम रहा है और उसके पास जेब नहीं है, तो मुझे ऐसा था कि इसमें की चेन्स वगैरह भी आ जाए ताकि वो यूजफुल रहे. बट इट इज़ नॉट दैट यूजफुल. सो आई डोंट नो कि ये यूजफुल होने वाला है या नहीं उसके लिए. बट ना किसी को गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए भी काफ़ी सही था ना, कि लाइक फ़ोन कवर आपने दे दिया, उसमें वो ज़रूरत का सामान लेकर थोड़ा बहुत चले. ये वाला पीस मैंने मेरे लिए मंगाया है, ठीक है. तो दिस इज बेसिकली द कवर और इसी के पीछे ये हैंगिंग भी है क्यूट सी, और यहाँ पे एक स्मॉल सी चेन है. दिस इज द किटी वन. अब क्या होता है, कई बार मैं जब नीचे उतरती हूँ सिर्फ फोन लेकर के उतरती हूँ, मुझे नहीं पसंद है. मेरे पास हैंडबैग्स आप देखोगे बहुत कम, एक आधी होगा, हैंडबैग वगैरह नहीं है. तो मैं जनरली फोन लेकर ही उतर जाती हूँ, कुछ भी इमरजेंसी होती है या कुछ लाना होता है नीचे तक. तो आई बिलीव कि अगर मेरा UPI नहीं वर्क कर रहा है तो उसमें कुछ कैश हो, मेरे घर की एक एक्स्ट्रा चाबी हो, चाबी तो एटलीस्ट हो अगर मैं वॉकिंग पर भी जा रही हूँ तो मुझे अलग से फिर कुछ बैग वगैरह कैरी ना करना पड़े, कुछ वॉलेट वगैरह कैरी ना करना पड़े. तो दिस वन इज रियली यूजफुल बिकॉज इसमें मैं अपना कीचेन रख सकती हूँ, थोड़े बहुत छुट्टे रख सकती हूँ. बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हर जगह ना फोन पे नहीं चल रहा होता, और जब भी मैं वॉकिंग पर जाती हूँ मैं बोलती हूँ मम्मी ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि भाई मैं कैश लेके नहीं उतरी हूँ. तो नॉट मच बट थोड़ा बहुत सामान तो उसमें आ जाएगा. एंड आई रियली लाइक दिस स्टफ. सो ये वाला पीस एक अगर आपको दोनों में से कुछ चाहिए तो ये वाले की जगह आप ये वाला ट्राई कर सकते हो. दिस इज एक्चुअली यूजफुल. दिस इज द अगारो का लिंट रिमूवल. तो ये कुछ इस तरीके से आ जाता है. दिस इज द बेसिकली हाउ इट लुक्स लाइक. ये इलेक्ट्रिक है एंड यहाँ पे जो है लिंट जमा होती है. दिस इज द बटन. सो कई बार क्या हो जाता है, जब आप मशीन में कपड़े वॉश कर रहे होते हो टुगेदर और ड्राई करने डाल रहे होते हो, तो उस पर लिंट यानी कि रेशे जो है दूसरे कपड़ों के लग जाते हैं. अगर आपने साथ में टॉवेल वगैरह या कुछ ऐसा डाल दिया जिसके धागे निकल रहे हैं, तो दिस इज बेसिकली द लिंट रिमूवर. तो आप इससे आसानी से लिंट रिमूव कर सकते हो. सो आई गॉट दिस प्रोडक्ट एंड मैं इसको ट्राई करने के बाद आपको कंप्लीट रिव्यू देंगी कि ये एक्चुअली में वर्क भी करता है या नहीं करता है. काफी अफोर्डेबल था ये, इलेक्ट्रिक है, चार्ज हो जाता है. सो या
प्रोडक्ट जो कि एक्चुअली में लेबल मेकर है, आई रियली नीडेड दिस। सो दिस इज बेसिकली अ पोर्टेबल लेबल मेकर। सो कई बार क्या हो जाता है कि इतने सारे मेरे पास कंटेनर्स हैं और इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं बहुत बार दफ़ा भूल जाती हूँ कि किसने क्या रखा है। आप देखोगे तो किचन के लिए काफ़ी यूजफुल है, आप कंटेनर्स पे खुद प्रिंट कर सकते हो कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। दिस इज द पोर्टेबल यू नो मेकर। सो बेसिकली ये कुछ इस तरीके का आ जाता है एंड इसका मैं कंप्लीट रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। तो जो लेबल्स मार्केट में आपको मिलते हैं ना, ये छोटे से लेबल्स आपको इसमें बन के रेडी अपने हिसाब से कस्टमाइज, जैसे ये इमली के डब्बे पे आपने इमली लिख करके स्टिकर लगा दिया या कुछ लगा दिया, तो आप वो इस मशीन की मदद से कर सकते हो। मैंने पर्सनली इसको इसलिए लिया है बिकॉज मेरे बहुत सारे पार्सल्स आते हैं, कई बार मैं जो कंटेनर्स में है वो रख करके भूल जाती हूँ कि ये मुझे किस दिन रिमूव करना है, ये जो है प्रोडक्ट शूट हो चुका है। लेकिन लिटरली अगर मैं बैक कैमरा से आपको दिखाऊं तो एवरीवेयर इट्स टू मेस्ड अप। तो जब एकदम मेस्ड अप हो जाता है तो जब चीज़ें बल्क में जमा होती है तो उस पर लेबलिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज हर स्टफ पे मैं मार्कर से अगर लिखूंगी एग्जाम्पल के तौर पे कंटेनर पे तो वो कंटेनर गंदे होना चालू हो जाते हैं। तो आई नीड समथिंग जो कि बाद में मैं रिमूव कर सकूँ और प्लस ये किचन में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो या आई गॉट दिस वन थिंग। ओके, नाउ दिस इज अ पोर्टेबल आयन। अगेन कॉल जो लोग हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, उनके लिए काफ़ी सही रहेगी। दिस इज रियली पोर्टेबल, इसमें कॉर्ड ऐसी आ जाती है एंड यहाँ पे पीछे से आप पानी डाल सकते हो ताकि स्टीमिंग भी साथ में आपको इसमें मिले। तो बेसिकली दिस इज द पोर्टेबल आयन। आजकल हॉस्टल के लिए भी ये काफ़ी सही है और सेकेंडली अगर आप ट्रैवल करते हो तो हर कोई फाइव स्टार होटल में नहीं रुकता है, जनरली होटल्स में आयन होती ही होती है रूम्स में, बट अगर इन केस अगर आपके रूम में आयन वगैरह नहीं है तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है अगर ये वर्क करती है। तो जैसे कि अभी हम लोग मदीना गए थे ना, तो मदीना में आयन नहीं थी और इतना टाइम भी नहीं था, लेकिन मुझे कुछ कपड़ों को अगर जल्दी सुखाना है तो इट विल हेल्प मी। तो दैट्स वाई आई गॉट इट एंड मैं इसको रिव्यू करके आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि ये प्रोडक्ट आपको एक्चुअली में बाय करना भी चाहिए या नहीं चाहिए। सब प्रोडक्ट्स का ना इन डिटेल रिव्यू आने वाला है, अभी जिस मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये प्रोडक्ट मैंने लिए ताकि आप कोई चीज़ मिस आउट ना कर पाओ कि अच्छा आपको पता चले अच्छा ये भी चीज़ होती है फैंसी मार्केट में, क्योंकि हमारे हिसाब से तो जितना बेसिक और मिनिमम हो, क्लटर फ्री होम हो, वो मेरे हिसाब से ज़्यादा। लाइक आई एम अ रियली मिनिमलिस्ट पर्सन, मुझे अगर आप बोलो तो मैं एक छोटी सी जगह में बेसिक चीज़ों के साथ भी गुजारा कर सकती हूँ, लाइक चार जोड़ी पे मैं लिटरली गुजारा कर सकती हूँ, आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। अगर लेकिन ज़रूरियात ज़िंदगी कई बार लाइक एक्सपैंड हो जाती है, जितना खरीदने जाओगे उतनी चीज़ें आपको मार्केट में दिखेगी और आपको लगेगा अच्छा ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। इस पर वी गोना मेक अ सेपरेट वीडियो, बट फिलहाल दिखाती हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट आई गॉट दिस एग का ट्रे। सो आई हैव सो मेनी एग कंटेनर्स राइट नाउ, बट मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सो आई गॉट दिस वन। बेसिकली अभी सर्दियों में हमारे यहाँ एग ज़्यादा खाए जाते हैं, बॉइल्ड एग एमान को मैं दे रही हूँ, मैं भी आजकल ले रही हूँ। तो इसमें अच्छे से एज अ ड्रॉ की तरह आप इस एग को स्टोर कर सकते हैं। ये टू टायर आ जाता है इसमें काफ़ी सारे, लाइक एक बारी में आपको तकरीबन 24 एग जो है वन टाइम में स्टोर हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से आता है। बट अगेन इट्स वेरी फ्लिमजी, तो आपको बहुत ही ध्यान से निकालना पड़ेगा, यहाँ ये लुढ़का और वहाँ आपके सारे अंडे खराब हो गए। तो या इन केस अगर आपको फ्रिज बहुत ही नीट एंड क्लीन चाहिए, आपका फ्रिज स्मॉल है, यू वांट समथिंग जो आपके एग को स्टोर कर सके अच्छे से, तो यू कैन टेक दिस आउट। और राइट, तो मैंने अपनी पिछले वीडियो में इन चम्मचों को आपको ऑलरेडी मैं दिखा चुकी हूँ। मैंने बेसिकली ये कटलेरी सेट मंगवाया था इन रेनबो कलर, बट उस टाइम पे मुझे ब्लैक कलर की रिसीव हुई थी, सो मैंने इनको एक्सचेंज किया है और फाइनली जो एक्सचेंज होकर प्रोडक्ट्स मेरे पास आए हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अमेजोन पे एक्सचेंज काफ़ी इजी है एंड लुक एट देम, इट्स सो 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 गॉर्जियस, लाइक लुक एट दीज स्पून्स, आई रियली वांट टू ईट विद दिस, लाइक लुक एट दिस कटलेरी। I don't know कि ये खाने में कितना अच्छा लगेगा, of course खा सकते हो, ये कलर कब उतरेगा, बट ये एज अ डाइनिंग टेबल पे शो पीस बहुत अच्छा लगने वाली, अपने आप में एक बड़ा मजेदार सा, मतलब आई रियली लाइक दिस मोनोक्रोमेटिक लुक ऑफ दिस, सो लिटरली लव दिस। ये पूरा कटलेरी सेट है, इसमें आपको 6 बड़े चम्मच, 6 छोटे चम्मच, 6 बटर नाइफ, 6 फोर्क मिल जाते हैं विद स्टैंड एंड आई लव द पीस। नाउ अगेन पोर्टेबल कंटेनर्स, ये सेट ऑफ 5 या 6 का मैंने कुछ लिया है। सो बेसिकली इफ यू आर समवन, अच्छा लेट मी जस्ट सिट प्रॉपरली फर्स्ट बिकॉज
जो थैलियों में सामान रखता है, जिसके पास प्रॉपर कंटेनर्स नहीं है दाल चावल वगैरह स्टोर करने के, हमें एक प्रॉपर बॉक्स वाले शेप, लाइक शेप वाले कंटेनर थोड़ा ज्यादा जगह भी लेते हैं, या कुछ ऐसी चीजें कि आपके किचन में कुछ एक्स्ट्रा सामान है जो हर बार नहीं होता है, कुछ मिसलिनियस सीरियल्स वगैरह है और आप उनको स्टोर करना है और आप उनको पन्नी 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 में ही स्टोर करते हो, तो उससे बेटर है कि आप ये वाले जो है इस तरीके के पाउचेस ले आओ। जिप लॉक वाले भी पाउचेस आते हैं, आप वो भी ले सकते हो, बट दिस इज अ लिटिल फैंसी। इसमें आपको वो लगेगा, खास तेल डालने के लिए नहीं लगता है वैसा। अच्छा, अब इसमें जो है आपको इस तरीके के कैप भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द कैप, तो आपने ग्रेन इसमें जो भी है या लिक्विड जो भी है आपका वो आपने इसमें फिल किया, ठीक है, और इसी में से आप दाल चावल इसमें ठलाते रहे अगर आपको प्रॉपर कंटेनर नहीं चाहिए, या आप कहीं भी ट्रैवल में जा रहे हो एंड इफ यू वांट समथिंग, कई बार ऐसे होते हैं ना, हम पीनट्स यहाँ से लेकर जाते हैं, बाहर जा रहे होते हैं तो दाल वगैरह लेकर जा रहे होते हैं, तो दिस इज एक्चुअली हेल्पफुल एंड आप इन्हें एज अ कंटेनर भी यूज कर सकते हो जब आपको जरूरत नहीं है, बस उसको ऐसे किया एंड रख दिया। तो मिसलिनियस आइटम्स अगर आपके हैं किचन में तो उनके लिए ये स्टोर करने के लिए काफी सही है, काफी अफोर्डेबल भी आ जाते हैं ये। सो आई एक्चुअली रियली लाइक दिस, सो मुझे ऐसे अच्छा लगता है ऐसे, मतलब थैलियों में स्टोर करने से ज्यादा तो बेहतर है कि आप इनमें स्टोर करो, दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील। क्वालिटी भी अच्छी है एक्चुअली। ये वाला से बड़ा धोखा हो गया, ये सेटअप टू मैंने ऑर्डर किया था, सो बेसिकली मुझे मिरर चाहिए था जो कि एडहेसिव हो लेकिन अफोर्डेबल भी हो, अगर मैं आईकिया वाले लेती तो ज्यादा बेटर होता मुझे ऐसा लगता है। सो बेसिकली ये एडहेसिव इन्होंने डबल टेप दिया हुआ है एंड दिस इज द मिरर जो कि बेंड होता है, बैंड तो नहीं हो रहा है लेकिन अनब्रेकेबल मिरर आप उन्हें बोल सकते हैं। इस पर फिल्म लगी हुई है तो जब आप फिल्म निकालोगे तो ये एज अ मिरर काम करेगा। सो आई वांटेड समथिंग फॉर बाथरूम, मुझे मिरर एक्चुअली नहीं लगाने थे बट एमान हमारा आजकल ऐसे से बाल बना बना कर जाता है ना, तो उसको मिरर की जरूरत पड़ती है, और जो पुराने वाले हैं वो बड़े मिरर्स थे एक्चुअली। तो या अगेन दिस इज रेंटर फ्रेंडली, ड्रिल वगैरह करना नहीं पड़ता है, बट इट्स एक्चुअली वेरी स्मॉल, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बिट बिग वन। आई डोंट नो, आजकल मेरी सांस वापस से ज्यादा फूल रही है, ससुर नहीं फूल रहा है, सांस फूल रही है। इसे ये चाहिए था, दिस इज एक्चुअली द फ्रायर, डीप फ्राई अगर आप करते हो तो ये मशीन आजकल काफी हेल्पफुल रहती है। सो बेसिकली दिस इज अ मशीन, इसमें आपको ऑयल डालना है एंड देन ये हीट करेगा ऑयल को, देन आप इसमें फ्राई कर सकते हो चीजें। नाउ दिस इज अ कंप्लीट सेट जिसमें आप फ्राई कर सकते हो, अगर आपके घर में डीप फ्राइंग ज्यादा होती है, गेस्ट ज्यादा है, तो आप ये यूज कर सकते हो, बट ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक टुकड़ा मिला, ठीक है, एंड यहाँ से आप जो भी है आपका ये डिग्री सेल्सियस मेंशन कर सकते हो एंड इसको कुछ इस तरीके से ये असेंबल होता है, ठीक है। सो दिस इज द कंटेनर जिसमें आप टेबल डालोगे, बट इसमें वो जो छन्नी आती है साथ में वो आई ही नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, क्यों नहीं आई है या आती ही नहीं है, बट वो आई नहीं है, तो इसमें आप कैसे फ्राई करोगे, लाइक वो आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी एंड लेट्स सी कि कैसे वर्क करता है, इसको मैं ट्राई जरूर करूंगी। मैंने ये दो अलग अलग कंपनी से मंगा है और मुझे अभी तक ये समझ में आया नहीं कैसे क्यों है करके, पीछे कॉर्ड इसमें दी हुई है। सो बेसिकली जैसे हमारे पानी का हीटर होता है, ये तेल का हीटर है, तो इससे आप पानी भी हीट कर सकते हो अगर आपके घर में गीजर नहीं है तो। आई एम जस्ट खेलिंग, सामान जिसको हेल्दी खाना खाना है, डीप फ्राइड खाना नहीं खाना है, दे कैन ट्राई आउट दिस लाइफ लॉन्ग रियली अफोर्डेबल एयर फ्रायर। लुक एट द कलर, ये गोल्डन हैंडल और ये कलर की वजह से मैंने इसको बाय किया है एंड लुक एट दिस, यहाँ पे प्री सेट मेनूज भी काफी सारे हैं। सो वी गोना टेस्ट दिस, ट्राई दिस, इस पे कंप्लीट लॉन्ग वीडियो आने वाला है। बहुत सारे एयर फ्रायर इस मंथ में ट्राई कर रही हूँ अलग अलग ब्रांड से, ताकि आपको एक सॉलिड वो दे पाऊं कि कौन सा वाला एक्चुअली बेटर है। बट इफ यू लाइक द कलर यू कैन बाय दिस वन और वेट फॉर माई रिव्यू। देन दिस इज द नेक्स्ट जो कि है बेल्ट ऑर्गेनाइजर। सो बेसिकली आप इसमें बेल्ट को फोल्ड करके डाल सकते हो और आप इसे एज अ बेल्ट ऑर्गेनाइजर यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप बहुत से मल्टी चीजों के लिए इसे यूज कर सकते हो, अगर आपके पास बेल्ट नहीं है तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इसमें यूज हो सकती है, जैसे सीडीज हो गया, डीवीडीज हो गया जो कि आजकल नहीं चलती है। तो या ऑर्गेनाइजर ही है बेसिकली, तो मैं तो उसको टी शर्ट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज करूंगी। नेक्स्ट थिंग ये
वाला जो है मैंने ड्रॉ लिया है, ये साइड ड्रॉवर्स आ जाते हैं, ये एक एक्स्ट्रा स्पेस की यूटिलिटी का जरिया है। इनकेस कबर्ड वगैरह में आपके साइड में जो जगह है वो यूटिलाइज नहीं हो रही है तो इससे यूटिलाइज हो जाएगी। बेसिकली ये पीछे से कुछ इस तरीके का है। अगर मैं बात करूँ इसकी बिल्ट क्वालिटी की तो ऑब्वियसली उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, जनरली प्लास्टिक इसी क्वालिटी के आते हैं। आई वुड प्रीफर कि थोड़ी अच्छी क्वालिटी के आए ना तो वो फिर सालों साल टिके, मतलब वरना ये दो बार ऐसे पचकड़े में ये हो जाएगा। सो बेसिकली इसके साथ आपको पीछे दो इस तरीके के एडहेसिव ये मिल जाते हैं, ये आपको आपके कबर्ड की साइड पे लगाना है और इसको अटका देना है। अब ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया, इसमें सेपरेटर्स आ जाते हैं। तो जो भी आपके अंडरगार्मेंट्स है या टाइज है या मिसलिनियस जो छोटी आइटम होती है ना, उनको आप इन ड्रॉज वगैरह में यूटिलाइज कर सकते हो। ये समथिंग 450 रुपीज का वन मुझे पड़ा है, तो अ बिट एक्सपेंसिव अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड एज यू कैन सी ये थोड़ा सा रफ भी हो जाता है, बट अगर आपको स्पेस यूटिलाइज करनी है तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। एंड या नेक्स्ट थिंग जो है मैंने ये ऑर्डर किया था, दिस इज अ सेल्फ कॉफी कप एंड सॉसर। सो इसे एक्चुअली मैंने ग्रीन कलर में ऑर्डर किया था बट आई गॉट इट इन द पिंक कलर। पैकेजिंग कुछ इस तरह की बहुत ही क्यूट सी आनी थी, बट आई थिंक आई डोंट नो व्हाई ये इसका तरीके से आई है। सो बेसिकली इफ यू आर समवन जिसको कॉफी बहुत पसंद है या चाय बहुत पसंद है लेकिन गर्म पसंद है तो ये काफी यूजफुल प्रोडक्ट होने वाला है। ये स्टडी डेस्क के नजदीक काफी यूजफुल रहेगी, या इफ यू आर समवन दिस वार्मर राइट ओवर हियर, और यहाँ पे ये टच स्क्रीन आ जाती है। लुक एट द कलर, मैंने ग्रीन में ऑर्डर किया था बट पिंक इज ऑल्सो नॉट वेरी बैड, सो आई ऑर्डर दिस वन टू गिफ्ट समवन, बट वो उनके हिसाब से ये कलर अब नहीं है तो ये मैं रख लूंगी प्रोडक्ट। बेसिकली यहाँ से इसमें आप प्लग इन कर सकते हो सॉकेट में कोई भी अगर आपके पास सॉकेट है, बट ये बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, इट्स वेरी स्मॉल, तो आपके अराउंड ही ये सॉकेट को रहना पड़ेगा, ठीक है। एंड प्लस यहाँ पे ये कप आ जाता है इस तरीके से, इस कप में भी ना ये कुछ इस तरीके का ये दिया हुआ है। तो ये वाला जो कप है बेसिकली इट्स टाइप ऑफ इंडक्शन, छोटू सा इंडक्शन आप बोल सकते हो। सो कॉफी को ये यहाँ से गर्म हो जाएगी इससे कॉफी, एंड आप अपनी कॉफी गर्म 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 सिप कर सकते हो। तो या तो आई रियली लाइक दिस, आई एम गोना ट्राई दिस आउट कि ये एक्चुअली में वर्क भी करता है या नहीं, एंड देन आई एम गोना शेयर माई कम्प्लीट रिव्यू विथ यू गाइज। शॉर्ट मुझे लगता है इसके लिए अगर हम शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे तो काफी होगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए, बट मैंने गिफ्टिंग के लिए ऑर्डर किया था। एंड या वी हैव दैट दिस सेट ऑफ टू, यहाँ पे ये आ जाएगा एक्चुअली में ये क्या है। सो बेसिकली ये कुछ इस तरीके का आ जाता है। तो किचन में बेसिकली ऑयल वगैरह को डिस्पेंस करने के लिए, सॉसेस वगैरह को डिस्पेंस करने के लिए ये मैंने मंगाया था। ये इमेजेस में कुछ ऐसा लगता है और रियलिटी में इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो इतना अच्छा नहीं है। इसका टैप जो है कुछ इस तरीके से आ जाता है, इसको एडेसिव आता है ये सेल्फ एडेसिव के साथ, तो ये आप किचन पे जो है इसको चिपका सकते हो। नाउ आई एम नॉट श्योर कि ये कितना स्टेबल रहेगा और इसमें सॉसेस विनेगर वगैरह कितने सही रहेंगे, सो आई एम गोना शेयर माय कंप्लीट रिव्यू ऑन दिस अगेन ऑन शॉर्ट। अच्छा ये वाला जो प्रोडक्ट है दिस इज बेसिकली काफी चर्चित प्रोडक्ट ये है। सो ये कुछ इस तरीके का जो है मशीन आ जाता है छोटा सा, आपने आपकी वॉशिंग मशीन और इसके साथ ना कुछ इस तरीके का ये भी आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये किसी भी सॉकेट में आप लगा सकते हो। अगर कपड़े धोने के लिए, मुझे ऐसा लगा था कि इतना तो आएगा बट ये बहुत ही छोटू सा आया है, तो आई थिंक इसको रुमाल धोने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा। बेसिकली इसे आप किसी भी मशीन में डाल, सो बेसिकली किसी भी ऐसी जगह पे जहां पे पानी आप इसे डालोगे तो ये मशीन की तरह गोल गोल घूमेगा और कपड़ों को वॉश करेगा, ऐसा दिखाया जाता है। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, अगर ये काम करता है जो कॉलेज के स्टूडेंट्स वगैरह है जो हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए, या इफ यू आर समवन जो ट्रैवल करता है तो किसी भी बकेट वगैरह में फिर वो कपड़े इजिली वॉश कर सकता है बिना मेहनत के। ऑब्वियसली सुखाना निचोड़ना खुद पड़ेगा बट वो जो ब्रश वाली मेहनत है वो तो कम होगी। इससे वेरी टाइनी एंड स्मॉल, सो वी गोना टेस्ट दिस आउट कि एक्चुअली में वर्क करता भी है या नहीं। तो AI इंटेलिजेंट है कहते इसमें, देखेंगे बाद में कैसा ये है। फ्रूट पीलर, तो आई गॉट दिस रियली रियली क्यूट, इसको आप आलू छीलने एप्पल छीलने वगैरह रख सकते हो। ना बेसिकली मेरे पास सादे वाले हैं बट वो क्या हो जाता है ना कि जिस वो सारे सेम है, कलर अलग अलग है, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि वही सेम पीलर से मैं एप्पल भी छील रही होती हूँ और आलू भी छील रही होती हूँ, विच इज टेस्ट में थोड़ा सा कभी कभी अजीब लगता है वो अगर प्रॉपरली धुले ना। तो इसके लिए मैंने ये डिफरेंट ही मंगाया ताकि इससे मैं
एप्पल वगैरह। इसमें ना ये यहाँ से इस तरीके से राउंड भी हो जाता है, तो आप अलग अलग स्टाइल के जो है इसमें कुकुम्बर वगैरह जो है स्टाइल को कर सकते हो। अगर आप सैलेड काट रहे हो, ड्रेसिंग कर रहे हो, तो ये अलग अलग शेप के जो है ये कटेंगे, तो इट्स एक्चुअली वेरी यूजफुल। तो इसमें तीन डिफरेंट ब्लेड्स भी आ जाते हैं, सो वी गोना ट्राई दिस आउट। नेक्स्ट आई गॉट दिस एक्सटेंशन बॉक्स। ओ माय गॉड, दिस इज एक्सपेंसिव, बट आई रियली नीड दिस। तो दिस एक्सटेंशन बॉक्स जो हमारे नॉर्मल गोल गोल घुमाने वाले होते हैं, ये वैसा नहीं है। बेसिकली इसको आप जब ओपन करते हो, ये यहाँ से ओपन हो जाता है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसमें डिफरेंट टाइप के सॉकेट्स आपको दिए हुए हैं। दिस इज द मेन पावर प्लग जिसको आप एक्चुअली अपने बोर्ड से कनेक्ट करोगे। सो जब एक्सटेंशन बॉक्स हम यूज करते हैं, वो काफी मेसी हो जाता है। सो बेसिकली यहाँ से जो है सारे जो इनलेट्स हैं आपके, वो यहाँ से इसमें जाएंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे जो 5 प्लग का ऑप्शन है, इसमें ये प्लग इन हो जाएंगे। ये ढक्कन इस पर लगा हुआ रहेगा, किसी भी किस्म के मल्टी वायर्स यहाँ पे नहीं दिखेंगे। दिस इज द ऑन ऑफ स्विच आई गेस, या दिस इज द ऑन ऑफ स्विच। दिस इज वेरी गुड एंड यूजफुल प्रोडक्ट अगर आप अगेन हॉस्टल वगैरह में हो। लाइक मैं मेरे भाई को देखती हूँ ना, जब वहां पे इतने सारे पावर प्लग्स लगे हुए हैं, मुझे उसी को ध्यान में रखकर मैंने कितनी सारी चीजें बस खरीदी है कि इसका मैं रिव्यू करने के बाद यासर को ये जाएंगी, बिकॉज ही लिव इन अ वेरी स्मॉल रूम, तो वहां पे थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन का इश्यू भी हो जाता है। सो यार दैट्स व्हाई वाई वाई वाई। नेक्स्ट आई ऑर्डर दिस कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर बाय कैंट। कैंट की काफी सारे मेरे पास इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स हैं, दे आर वेरी यूजफुल। एंड ये कुछ इस तरीके का आ जाता है पूरा, इसमें काफी सारा सामान है। और या तो ये इस तरीके का कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर आएगा, चार्ज बेसिस पे होता है ये, तो इसको सभी मैं आपको सेपरेटली पूरा वीडियो में शेयर करूंगी। देन नेक्स्ट आई गॉट दिस वन जो कि है टाइनी सा बैग। सो दिस इज एक्चुअली ट्रॉली बैग, पीछे से आप देखोगे तो ये इस तरीके का यहाँ पे जो ट्रॉली का ये निकल जाता है इस तरीके से। आप बोलोगे इतना छोटा, बैठ जा। ओके, सो दिस इज बेसिकली अ पोर्टेबल बैग। बैग तो पोर्टेबल ही होता है, बट दिस इज अ पोर्टेबल बैग, ठीक है। यहाँ से आप जब इसको ऐसे प्रेस करोगे अंदर से, तो ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। एंड इसमें फिर आप अपना सामान स्टोर कर सकते हो, ठीक है, और लाइक दिस। सो फिर इसमें काफी सारा सामान आप स्टोर कर सकते हो, और बाद में अगर आपके घर में जगह कम है, तो आप इसको इस तरीके से वापस करके ये ऐसे करोगे, तो ये बड़ा हो जाएगा। वापस से आप नॉर्मल इसको ऐसे करके कर सकते हो, मतलब आप आजकल क्या 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 चीजें निकलोगे भाई, मैं तो सोच भी नहीं सकती। आई गॉट दिस सेट ऑफ 3 ड्रॉवर्स, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। दिस इज ट्रांसपेरेंट और ये किचन में काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो इसको भी मैं आपको असेंबल करके पूरा शेयर करती हूँ कि एक्चुअली में ये है कैसे। लास्टली मैंने ये टेबल लिया है सेट ऑफ 2। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द स्मॉल टेबल, और ये बड़ा सा राउंड टेबल आ जाता है। इसका मार्बल फिनिश काफी सही है, दिस इज एक्चुअली गुड, बट ये मार्बल फिनिश में आ जाता है, नीचे गोल्डन है। तो बेसिकली दिस इज अ कॉफी टेबल जिसपे मैं इस तरीके के पसारे रखती हूँ, एंड ये मैंने राउंड में लिया, और एक मैंने स्क्वायर में भी लिया है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ साथ। सो ये सारे हमारे भी, जैसे कि मैंने कहा ना, बहुत मेसी हो रखा है, तो ये वाला जो है स्क्वायर वाला आ जाता है। इसमें नीचे जो यहाँ से इस तरीके से स्टोरेज भी दिया हुआ है, सो दिस इज द स्क्वायर वन। तो गाइज इन सभी प्रोडक्ट के इन डेप्थ रिव्यू अलग से आएंगे, कुछ शॉर्ट्स में आएंगे, कुछ फुल लेंथ वीडियो आएंगे, तो वहां से आप इन्हें चेक कर सकते हो। और इन सभी के लिंक इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इन वीडियोस से ना शॉर्ट्स से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट यूजफुल है, कौन से यूजफुल नहीं है, खरीदना चाहिए या नहीं। दैट्स ऑल। तो या इस वीडियो को देखने के लिए आपका बेहद धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।